खुद इस तथ्य से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज। क्यों ऑडियंस हुई अन्ना की दीवानी, क्या बॉलीवुड का मान बढ़ाएंगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड का असली बलवान कौन है? वन एंड ओनली सुनील शेट्टी। हाँ वही, अंजलि, धड़कन फिल्म वाले। वैसे अन्ना की किस्मत तो स्पीड ब्रेकर जैसी है, टाइम टाइम के बाद ब्रेक देती है। खैर छोड़िए, इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनकी फिल्म बलवान का सीक्वल आने वाला है और अब अन्ना काफी एक्साइटेड होकर इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। बलवान तो उनकी डेब्यू फिल्म थी, पहली फिल्म में उन्हें सब कुछ करने को मिला जो एक एक्टर की ख्वाहिश होती है। हमारा मतलब है कि एक्शन, रोमांस, मेलोड्रामा, वरना एक्शन फिल्मों के लिए अलग से लाइन लगानी पड़ती है एक्शन डायरेक्टर के सामने। खैर मजाक कर रहे थे, अन्ना इस फिल्म के लिए काफी खुश हैं क्योंकि उन्हें एक पावरफुल परफॉर्मेंस देने का मौका जो मिल रहा है और एक्शन सीक्वेंस के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर बॉलीवुड का मान बढ़ाने के लिए भी वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद नहीं करते। अब ये क्या मतलब हुआ? वैसे अन्ना तो साउथ इंडियन है, उन्हें साउथ फिल्मों में काम करने में आसानी हुई। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड की हर आने वाली फिल्म को साउथ फिल्मों से कंपेयर किया जाता है। साउथ फिल्मों में भी एक्शन मास्टर्स का खजाना है। जाहिर सी बात है कि सुनील के एक्शन सीक्वेंस भी उनके साथ कंपेयर होंगे, पर अन्ना डरते नहीं किसी से और ये साबित हुआ कुछ दिन पहले। हाल ही में महेश बाबू ने कहा कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बारे में अन्ना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सबका बाप है और साउथ से कैसा डर। ये सोशल मीडिया हवा दे रहा है साउथ वर्सेस बॉलीवुड के मैच को, वरना तो सभी फिल्में हमारे लिए खास हैं, तो साउथ से डरने की क्या जरूरत है? हमने हमारा काम अच्छा किया तो बेशक हमें कामयाबी तो मिलेगी ही ना। हम साउथ फिल्मों से डर के खुद का काम तो नहीं छोड़ सकते। वैसे महेश बाबू को बड़ा करारा जवाब दिया है। अन्ना का ये जवाब सुनकर उनके फैंस काफी खुश हुए हैं क्योंकि ज्यादातर सेलिब्रिटीज किसी भी बवाल पर बात करने के लिए बहाना बनाते हैं, पर सुनील ने ऐसा नहीं किया बल्कि बॉलीवुड को बाप कहकर साउथ वालों को तमाचा मारा। इसलिए अब सुनील का यही प्लान रहेगा कि वो किसी भी तरह बलवान 2 में एक धमाका करे जिससे ऑडियंस बॉलीवुड की तरफ खिंची चली आए। इस फिल्म में सब कुछ देखने को मिलेगा जो 3 घंटे उन्हें इंगेज रख सके। अब देखते हैं कि ये लाडला बेटा अपने बाप बॉलीवुड के लिए क्या करता है। क्या आपको सुनील का ये जवाब पसंद आया? बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।